स्पाइका जावेद। तो आज मैं अपना थर्ड ब्लॉग लेके आई हूँ। अभी न्यू ईयर की सेलिब्रेशन चल रही है, जैसा कि आप सबको पता है कि 2022 की अगर हम बात करें तो 2022 कुछ लोगों के लिए जो है सक्सेस कुछ लोगों ने पा ली, कुछ लोगों ने अपनी ज़िंदगी में आगे गए, कुछ लोग पीछे गए। किसी को एनजाइटी आ गया तो किसी को डिप्रेशन आ गया, लेकिन कुछ लोग खुश रहे इस साल में। तो फाइनली ये साल गुजर गया, 2022 का ये आखिरी दिन था और अभी हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं न्यू ईयर, यानी कि हम एंटर हो गए हैं 2023 में। आई होप सो कि मैं दुआ करूंगी कि आप सब लोगों के लिए जो है ये साल जो है खुशियां लेकर आए, आप सब लोग अपनी अपनी लाइफ में जो है सक्सेस पाले, अपनी फैमिली के साथ जो है आप हमेशा खुश रहे। किसी को जो भी रंज गम फेस करना पड़ा होगा 2022 में, आई होप सो कि आप सभी की जो प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो जाए और ये साल आपके लिए खुशियां लेकर आए। तो अभी हम ढेर सारी मस्तियां करने वाले हैं। अभी हम ठीक मौजूद है 4.6 शिराटन में। जी हाँ, श्रीनगर में ये इवेंट एक होने जा रहा था आज की शाम के रिलेटेड। तो मैं एक होस्ट के बतौर यहाँ आई थी, तो यहाँ पे मेरी मुलाकात जो है आपकी मुलाकात में काफ़ी सारे लोगों से कराने जा रही हूँ, जो कि यहाँ पे सभी जो है डिफरेंट स्टेट्स से आए हैं। अगर इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स की बात की जाए तो कुछ लोग दिल्ली से आए हैं, कुछ लोग पंजाब से आए हैं, तो कुछ लोग बाकी स्टेट्स से आए हैं। आइए देखते हैं उनका क्या एक्सपीरियंस। जैसा कि गाइस मैंने आपको बोला था कि न्यू ईयर की सेलिब्रेशन चल रही है, तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगी आपका अपने ब्लॉग में, और बता दें कि कैसा लगा, कश्मीर में पहली बार आए हो ना, तो कैसा लगा आप सबको? वेरी नाइस, सुपर। न्यू ईयर सेलिब्रेट किया तो कैसा मजा आपके दिल्ली में? ऐसे ही सेलिब्रेट किया जाता है न्यू ईयर या किसी और तरीके से? जैसे सेलिब्रेट होता है वहाँ अपने तरीके से होता है, बट यहाँ का सेलिब्रेशन यूनिक है। तो अगर कश्मीर के लोग उनके हवाले से बात करें तो कश्मीर के लोग आपको कैसे लगे, खासकर यहाँ के हॉस्पिटल के मेहमान नवाज? वेरी ब्यूटीफुल कश्मीर एंड वेरी ब्यूटीफुल गर्ल्स यू आर। थैंक यू सो मच। और एक मैसेज आप देना चाहोगे मेरे व्यूअर्स को कुछ कि कश्मीर के रिलेटेड, क्योंकि लोगों में वो खौफ भी दहशत अभी भी फैला हुआ है कि लोग कश्मीर नहीं प्रॉपर्ली आ पाते, कुछ लोग डर रहे हैं कि मिलिटेंसी का सीन मत होगा। तो आप कोई मैसेज देना चाहोगे हमारे? मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि एक बार लाइफ में कश्मीर जरूर आए। चलिए थैंक यू सो मच। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि डरने वाली बात। चलिए थैंक यू सो मच। तो गाइस ये थे कुछ लोग जिनके साथ हमने आपको एंटरटेन करवाया, क्या कुछ इन्होंने कश्मीर के रिलेटेड बोला और क्या कुछ इन्होंने इस न्यू ईयर पार्टी के रिलेटेड बोला आपने देख ही लिया होगा। तो आपने इस व्लॉग में क्या कुछ देखा, बस एंटरटेनमेंट देखी, खुशी देखी। इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे कि इस न्यू ईयर में जो है सबके लिए खुशियाँ आए, सबके लिए ये साल जो है खुशियाँ लेकर आए और अमन पैगाम लेकर आए। तो दूसरे ब्लॉग में हम आपसे फिर से जुड़ेंगे एक ऐसी ही खूबसूरत तस्वीरों के साथ और खूबसूरत जगहों से आपको रूबरू कराएंगे, कुछ कश्मीर के जगहों से, कुछ कश्मीर के पॉइंट से, या फिर ऐसे ही खास मौकों पर आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस, एंड मैं क्या बोलूँ, बस शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच मेरा ब्लॉग देखने के लिए, जो लोग देखेंगे।